students, today we are going to learn and understand unit 1 A Happy Child in English Swar Book. First of all, we recall exercise number 1 that is already done in your workbook. Write the correct option A, B, C or D in the box. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है एंड आफ्टर इट यहाँ पे ए बी सी और डी दिए हुए उनमें से ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द चाइल्ड्स हाउस, जिसका आंसर है रेड. यस, नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज. सेकेंड वन इज The child is a blank child. First, A में लिखा हुआ है happy, B में है quiet, C में लिखा हुआ है sad, D में लिखा हुआ है angry. इसका आंसर है A, happy. Third one is, what does the child do the whole day? इसका मीनिंग है पूरा दिन बच्चा क्या करता था. First, A में है cry and sleep, B laugh and play, C laugh and cry, D sing and play. The answer is B, laugh and play. Now for what is the color of the tree? Yes, A brown, B red, C yellow, D green. The answer is A, green. Yes. Fifth one is where does the child sit? A on the sink, B in the house, C under the tree, या D in the tree. इसका आंसर है under the tree. Sixth one is the tree gives shade from the A sun, B wind, C rain, D cold. The answer is sun. Yes, very good. Now children, look, listen and repeat. First of all, I read, then you also read with me. यहाँ पे words दिए हुए हैं, उनको read करना है. तो पहले आप सुनो कि कैसे read करते हैं. B, A, D, bed. Yes. जब B के बाद A letter होता है, तो भी ये इसका pronunciation bed होता है. और जब bed होता है तो भी हम क्या रीड करेंगे, बेड. देन big, बिग. यस, इस तरह सारे वर्ड्स में पहले रीड करती हूँ. आफ्टर इट उसके बाद आप भी रीड करना है और उसको रिपीटेशन करके आपको रीडिंग सीखना है. बेड, हेड, सेड, bed, led, red, big, dig, pig. Now coat, hot, pot, bun, fun, sun. Yes, इस तरह read करना है. Now children, circle the odd word in each seed. Now children, odd word find करना है. अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में रीडिंग किया ना, तो आपको पता चला ना रीडिंग सेम में बट ए ई आई मीन लेटर चेंज होता है तो वो ओड वर्ड कहलाता है. तो यहाँ पे फर्स्ट वन है फेड, रेड, मेड, बेड, जिसके प्रोनाउंसिएशन भी देखने हैं, स्पेलिंग भी देखने हैं. तो कौन सा स्पेलिंग अलग है? यस, यहाँ पे अलग है एम ए डी मेड. तो आपको वहां पे उसका सर्कल बनाना है. यस, वेरी गुड. नाउ नंबर टू पे क्या लिखा हुआ है वो पहले रीड करेंगे. पुट, पी यू टी पुट, फिर सी ओ टी कोट, एच ओ टी हॉट, पी ओ टी पॉट. देखो पुट, कोट, हॉट, पॉट कौन सा अलग है? यस, वेरी गुड. फर्स्ट वन वाला पी यू टी पुट. इस तरह जो बाकी के हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है एंड आफ्टर इट
मैं आपको इसके सारे आंसर दूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई इट। नाउ इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। बॉक्स में हमें ए बी सी और डी जो उसका राइट आंसर है वो लिखना है। फर्स्ट वन इज द ब्लैंक साइंस इन द स्काई। ए में लिखा हुआ है सन, बी में लिखा हुआ है बन, सी फन, डी गन। राइट आंसर क्या है चिल्ड्रन? यस सन। तो आपको बॉक्स जो बना हुआ है सामने उसमें ए लिखना है। सेकेंड, आई हैव अ ब्लैंक पेन। ए लेड, बी फेड, सी रेड, डी बेड। द राइट आंसर इज रेड। फिर आपको ये बॉक्स में बी लिखना है। यस थर्ड, द ब्लैंक्स गिव्स मी सेड, जिसका राइट आंसर क्या है, ए ट्री, बी फ्री, सी हाउस या डी माउस। द राइट आंसर इज ट्री। यस वेरी गुड। इस तरह आपको 4 और 5 भी होमवर्क में करने हैं। ओके नाउ लुक लिसन एंड रिपीट। रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, वाइट। इसके बाद इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे। कलर द पिक्चर्स, सर्कल द नेम ऑफ द कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर करना है पिक्चर को। आफ्टर आप जैसा कलर फिल करो वो वहाँ पे सर्कल करना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है वो ये सन का है, तो उसमें कौन सा कलर फिल करेंगे, येल्लो। यस तो फिर आपको येल्लो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे इसे सर्कल बनाना है। यस उसके बाद इस तरह टर्न द पेज। पेज नंबर 8 पे भी और 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसको भी कलर फिल करना है और जैसा कलर आप फिल करते हो उस पर सर्कल बनाना है। यस वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स रीड द इंस्ट्रक्शन। कलर द बॉक्स विद द राइट कलर। आपको कलर करना है बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फर्स्ट वाला है व्हाट इज द कलर ऑफ द चाइल्ड्स हाउस। यहाँ पे द चाइल्ड्स हाउस मीन्स हमने जो पोएम पढ़ी ना उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड के हाउस का कलर कैसा था वो आपको फिल करना है। इसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, सन का कलर कैसा होता है वो फिल करना है। यस आपको पता है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई इट। ओके व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री, वो आपको कलर फिल करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस, देन व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल, उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, 8 व्हाट इज द कलर ऑफ योर टीथ। यू फिल ऑल द कलर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके